अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 टॉपिक नंबर 3 प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने टिश्यूज पढ़ा ऊपर, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, कि ग्रुप होता है सेल्स का जो एक सेम फंक्शन परफॉर्म करो, उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे जो विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, के जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यू कैरियार्स विद टिश्यू सिस्टम्स। कह रहा बच्चों, जो प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर यू कैरियार्ट हैं और इनके अंदर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। प्लांट टिश्यूज आर कंपोज ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा बच्चों, प्लांट टिश्यूज के पास वो सेल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। और कह रहा बच्चों, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन इट्स सेल्फ इज ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन टूगेदर मेकिंग अप द टिश्यू सिस्टम। कह रहे बच्चों, हर ऑर्गन जो होता है वो भी इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, एक खास फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। प्लांट टिश्यूज डिफरेंशिएट इंटू थ्री मेन टाइप्स, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू। कह रहे हैं जो प्लांट टिश्यूज हैं इनकी तीन मेन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? डर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डर्मल। डर्मल टिश्यू कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट। जो डर्मल टिश्यू है ये करता है, पूरा जो होल प्लांट है उसको कवर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। ग्राउंड टिश्यू सर्व्स एज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प्स टू स्टोर वाटर एंड शुगर। कह रहे हैं जो ग्राउंड टिश्यू है वो एज अ एक्ट करता है एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है टू स्टोर वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट इज वास्कुलर टिश्यू, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को एंड शुगर्स को, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट इज प्लांट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स रिलेशन विद प्लांट फिजियोलॉजी। कह रहा है जो प्लांट के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स है उनका क्या रिलेशन है प्लांट की फिजियोलॉजी के साथ? प्लांट टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स सच एज लीव्स, स्टेम और रूट्स। कह रहे हैं कि प्लांट के टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, सच ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। कह रहे हैं कि जिसमें से तमाम ऑर्गन्स क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टेम्स फॉर द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। कह रहे हैं कि जो लीव है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो स्टेम्स हैं वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। टुगेदर ऑर्गन्स ऑफन वर्क टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। कह रहे ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठे काम करते हैं और क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। वस्कुलर प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम्स। कह रहे जो वस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके अंदर बच्चों वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, ठीक है। वस्कुलर प्लांट्स हैव, कह रहे हैं इनके अंदर दो डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, अ शूट सिस्टम एंड अ रूट सिस्टम। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, द वेजिटेटिव नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीफ एंड स्टेम एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट विच इंक्लूड फ्लावर एंड फ्रूट। द शूट सिस्टम जनरली ग्रोज अबव ग्राउंड वेयर इट अब्सॉर्ब्स द लाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। यह जो शूट सिस्टम है जनरली ये जो ग्राउंड से अबव ग्रो करता है और ये क्या कहता है, ये लाइट को अब्सॉर्ब करता है जो रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। द रूट सिस्टम विच इज यूजली अंडरग्राउंड एंकर्स द प्लांट इन टू ग्राउंड। कह रहे हैं जो रूट सिस्टम होता है वो यूजुअली अंडरग्राउंड होता है और वो क्या करता है, वो प्लांट को एंकर करता है यानी मजबूत करता है, फिक्स करता है, होल्ड करके रखता है साइल में। अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है साइल से एंड सर्व एज अ स्टोरेज साइट फॉर फूड, और फूड की स्टोरेज साइट के तौर पर काम करता है। ये आप देख सकते हैं फिगर 5.6 में प्लांट ऑर्गन सिस्टम्स में रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ अ लीफ। कह रहा है जो एक लीफ है, जो एक ऑर्गन है प्लांट का, उसकी जो सेल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनका क्या फंक्शन है? लीव्स आर थिन फ्लैट ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। बच्चों कह रहे हैं जो लीव्स हैं ये क्या है, थिन और फ्लैट ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट डिवेलप्स लेटरली एट द नोड। कह रहे हैं कि ये लेटरली डिवेलप होता है नोड के ऊपर, नोड के ऊपर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम एज इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन।
कह रहा है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है शूट सिस्टम का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन परफॉर्म करता है। लीव सेल्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है जो लीव सेल्स होते हैं उनको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। लीव्स ट्रांसफर दी सिंथेसाइज फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, जो सिंथेसाइज फूड होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो देयर आर वराइटीज ऑफ फंक्शन एंड अकॉर्डिंगली देयर आर वराइटी ऑफ सेल। सो कह रहे हैं वराइटी ऑफ फंक्शन होते हैं, अकॉर्डिंगली वराइटीज ऑफ सेल्स भी होती हैं। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। ये बच्चों आप फिगर 5.7 में देख सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीव दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर जो हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, देन पैलिसेड मेसोफिल है, देन स्पंजी मेसोफिल है, देन लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में कुछ ओपनिंग्स हैं जिनको हम स्टोमा कहते हैं, और उनके गेट जो सेल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द लीव सरफेस। कह रहा है कि जो एपिडर्मस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो लीव सरफेस को कवर करती है। अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड काइटन व्हिच फॉर्म्स द क्यूटिकल कवर्स द अपर एपिडर्मस। कह रहे हैं जो एक वैक्सीन होता है क्यूटन, जो क्यूटिकल बनाता है वो क्या कवर कर देता है अपर एपिडर्मस को। द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मस इज टू प्रोटेक्ट द टिश्यू एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कह रहे हैं जो एपिडर्मस का फंक्शन है वो होता है कि टिश्यूज को प्रोटेक्ट करना और जो लॉस ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट रोकना। ऑन द लोअर एपिडर्मस टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ई स्टोमा इज इनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो एपिडर्मस है उसके पास स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और जो हर स्टोमा है वो इनक्लोज होता है गार्ड सेल से हैविंग क्लोरोप्लास्ट। द गार्ड सेल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द एनवायरनमेंट एंड वेपरेशन ऑफ वाटर। वेपर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। कह रहा है ये जो एक्सचेंज होता है ये किसके थ्रू होता है, ये होता है थ्रू स्टोमेटा। बिटवीन टू एपिडर्मल लेयर्स लाइज द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मेसोफिल। कह रहे हैं दो एपिडर्मल लेयर्स के बीच में एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको हम कहते हैं मेसोफिल। दीज आर ऑफ टू टाइप। कह रहे हैं ये भी दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पंजी मेसोफिल। द पैलिसेड मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ टू और थ्री लेयर्स ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। कह रहे हैं जो पैलिसेड मेसोफिल होते हैं इनके पास दो या तीन लेयर्स होती हैं सिलेंड्रिकल सेल्स की। दीज सेल्स कंटेन मेन क्लोरोप्लास्ट, इनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द स्पंजी मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड इरेगुलर शेप्ड सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। कह रहे हैं स्पंजी मेसोफिल के पास क्या होता है, लूजली अरेंज्ड इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट अमंग दीज सेल्स। कह रहे हैं सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट होती हैं। दिस अरेंजमेंट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से गैसेस की डिफ्यूजन पॉसिबल होती है। जाइलम वेसल्स प्रेजेंट इन लीव्स आर लॉन्ग एंड डेड सेल्स। कह रहे हैं कि जो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है लीव्स में वो लॉन्ग होती हैं और डेड सेल्स होते हैं। थ्रू जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स टेक प्लेस। कह रहे हैं जाइलम सेल्स के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है रूट से लेकर लीव्स तक कोई पॉसिबल है। द फ्लोइंग सेल्स कैरी रहा पीरियड प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। और फ्लोइंग सेल्स क्या कहते हैं, जो प्रिपेयर्ड फूड होती है लीव से वो लेके जाते हैं अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। सो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।